namaskar students i hope you are well at your side we will continue our chapter 4 distribution of continents and oceans in this chapter we discussed about the evidences of movements of continents we discussed the theory of continental drift theory given by the alfred wagner who was a french scholar तो उसने जो थ्योरी दी थी अपनी कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था उसके चारों तरफ पानी था दैट इज कॉल्ड द पेंथालासा एंड द सुपर कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द पेंजिया एंड इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स द अपर पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द लोरेसिया और अंगारा लैंड एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड एंड इट सेपरेट्स ए वाटर बॉडी स्मॉल वाटर बॉडी इट इज कॉल्ड द टैथिस एंड आफ्टर सम टाइम से बिकम्स द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस एंड एंड हिमालयस माउंटेन्स तो दोनों जो सेपरेट हुए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वहाँ जो टैथिस सी था धीरे धीरे उस जगह हिमालय फॉर्मेशन हो गई और ये ऐसे ही जैसे दो पार्ट हुए ऐसे ही धीरे धीरे इसके पार्ट होते गए इस चीज़ का अल्फ्रेड वैगनर ने एविडेंसेस दिए थे जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे फर्स्ट एविडेंस इज़ जिक फिट उसने कहा था कि अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट जो हैं उन दोनों तरफ में अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए तो दोनों तरफ की लैंड जो हैं कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर कंप्यूटर से उनकी पिक्चर को मर्ज किया जाए तो दोनों ऐसे लगते हैं जैसे एक ही लैंड के पार्ट थे और वो डिवाइड हो गए फॉसिल्स कि जो फॉसिल्स वहाँ पर मिले हैं उन फॉसिल्स से भी पता चलता है कि वहाँ एक ही टाइप के फ़ॉसिल मिलने से कि वो सेम टाइप की लैंड थी जियोलॉजिकल मैचिंग अगर जियोलॉजिकल पीरियड से देखें तो वहाँ पर जो माइनिंग वगैरह होती है उन माइंस में और जो कोल्ड गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स में तो जब घाना कोस्ट पर और ब्राज़ील कोस्ट पर जो मिलते हैं सेम टाइप के हैं तो इनसे भी पता चलता है कि एक ही टाइम पीरियड में बने ये मिनरल्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं तो इससे पता चलता है कि दोनों लैंड एक ही लैंड का पार्ट थी पेलियो क्लाइमेट यूनिटी कि जिन एरियाज में क्लाइमेट की यूनिटी है उनसे भी पता चलता है कि वो दोनों कॉन्टिनेंट हैं उनमें एक टाइप के क्लाइमेट होने के कारण वो दोनों एक ही लैंड का पार्ट थे अफ्रीका और साउथ अमेरिका तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दोनों कोस्टल एरियाज को अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को मर्ज किया जाए मिलाया जाए तो दोनों एक जैसे फिट बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि दोनों किसी ज़माने में एक ही उसके लैंड के पार्ट थे The fifth evidence is the corals. Fifth evidence is the corals. Coral is a minute reef building marine polyp which thrives well in warm waters with temperature about 20 degrees Celsius. It lives between latitude 30 degrees north and 30 degrees south the geological occurrences of corals away from the belt of 30 degrees north to 30 degrees south latitudes strengthen the view that these continents were nearer to the equator line in the geological past. the continents have moved northward and are experiencing cold and torrid climate conditions today. अर्थात ये कॉरल जो रीप हैं ये कॉरल रूप रीप एक तरह के एक बायोटिक इंसेक्ट है उसके ऊपर दूसरा बायोटिक इंसेक्ट आकर के चिपकता है तो उससे वो कॉरल्स बनते हैं मतलब एक हार्ड रॉक टाइप में बनते जाते हैं और ये पहले ये था कि ये ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जहाँ पर रहता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में तो ये वहीं पर पाए जाते हैं लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये चीज़ें जो ऐसा एस, टेम्परेचर है वो तो केवल इक्वेटर लाइन के पास ही हो सकता है अब ये इक्वेटर लाइन से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक आगे स्प्रेड हो रहे हैं खिसक रहे हैं मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कोरल जो आगे खिसके, उनसे पता चलता है कि वो कोई ट्र... वो मूवमेंट उनमें हो रही है कि वो एक जगह से डिस्प्लेस होकर के दूसरी जगह जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द पोलर वॉन्डरिंग पोलर वॉन्डरिंग पोलियो मैजिस्ट मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म इन द जियोलॉजिकल पास्ट जियोलॉजिकल पास्ट में जो मैग्नेटिज्म की थ्योरी है अर्थ की उसको हम पोले मैग्नेटिज्म कह सकते हैं हैज़ गिवन ए स्ट्रोंग एविडेंस दैट द प्रजेंट डे दैट द प्रजेंट डे कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ वर यूनाइटेड एंड फॉर्म्ड पार्ट्स ऑफ पेंजिया तो ये जो पोलर वॉन्डरिंग है पोलियो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि कोई जमाने में ये पेंजिया का ही पार्ट थे The magnetically susceptible minerals such as magnetite, hematite, limonite, pyrotite in lava and magma, and unconsolidated sediments have the tendency to align themselves parallel to the Earth's magnetic field. कि लावा और मैग्मा से ये हमें प्रूफ मिले हैं कि ये जो मिनरल्स हैं मैग्नेटाइट हैमेटाइट लिमेनाइट ये एक तरह के मिनरल सेम टाइप के मिनरल्स दूसरे पार्ट में भी फाउंड हो रहे हैं हैव द टेंडेंसी टू अलाइन दमसेल्स पैरेल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रीवेलिंग एट दैट टाइम दिस प्रॉपर्टी इज रिटेनड इन द रॉक्स एंड परमानेंट मैग्नेटिज्म देअर हैज बीन पीरियोडिक चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ कि अर्थ में पीरियोडिक चेंज हुआ पॉजिशन में और उन मैग्नेटिक पोल में दैट इज रिकॉर्डेड द रॉक्स बाई वे क्लियरली परमानेंट मैग्नेटिज्म दिस इज नॉन एज पोलर वांडरिंग द पोलर वांडरिंग क्लियरली शोर्स दैट द कॉन्टिनेंट्स हैव फ्रीक्वेंटली मूड एंड चेंज्ड डायरेक्शन ऑफ दियर नोशन फ्रॉम टाइम टू टाइम तो पोलर वॉन्डरिंग से ये पता चलता है कि टाइम टू टाइम इनका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है इट मीन्स द कॉन्टिनेंट्स आर इन ए मूविंग स्टेट जैसी सिचुएशन पास्ट में थी आज वैसी लोकेशन आज नहीं है और आज जैसी लोकेशन है फ्यूचर में भी ऐसी लोकेशन नहीं रहेगी दैट इज कॉल्ड द पोलर वॉन्डरिंग एंड इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रूफ फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल डिप्ट अर्थात अल्फ्रेड वैगनर ने ये तो प्रूफ कर दिया कि एविडेंस दे दिए कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिप्ट है वो कॉन्टिनेंट है वो मूव करते जा रहे हैं अब उसने ये भी कहा कि किन कौन से फोर्सेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं तो अल्फ्रेड वैगनर सजेस्टेड दैट टू फोर्सेज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दीज आर द पोलर फ्लिंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्स द पोलर फ्लिंग फोर्स इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द अर्थ रोटेट्स राउंड इन एक्सिस एज द रिजल्ट ऑफ विच मटेरियल मूव फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द अर्थ जैसा कि ये शो हो चुका है कि अर्थ है अपनी एक्सिस पर मूव करती है ना? राउंड करती है तो राउंड करने से अर्थ के जो मिनरल्स हैं वो पोल इक्वेटर से पोल की तरफ पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते रहते हैं कॉन्सिक्वेंटली वेयर इज द बल्ग ऑन द इक्वेटर एंड देर इज ऑल्सो फ्लियरिंग फ्लिंग ऑफ द पोल्स द टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन विच कॉजेस टाइड्स इन द ओशियंस कि सन और मून के अट्रैक्शन के कारण जो टाइड्स आती हैं उससे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइडल फोर्स तो इन द ओशियंस अल्फ्रेड वैगनर एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट द फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव वैन अप्लाइड ओवर सफिशियंटली लॉन्ग पीरियड के अगर ये लंबे समय तक अप्लाई होते हैं तो यह इफेक्टिव होते हैं से मिलियंस ऑफ इयर्स हाउ एवर मोस्ट स्कॉलर डू नॉट एग्री विथ ए वेग्नर एंड हैव एक्सप्रेस डाउट अबाउट द एडिक्वेंसी ऑफ दीज फोर्सेज तो इन फोर्सेज पर कई जो जो scholars most of scholars are not agree by the these forces. And we will discuss about the these forces in our next class. Thank you students.